सबको प्रणाम और सुप्रभात बच्चों, उपस्थित हूँ फिर से लेकर वही विषय वस्तु, वही दीवाना दिल, मस्ताने आप और परवाना हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है लॉ। हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ रहे हैं और अब हमारा बहुत आखिरी पड़ाव, एक लास्ट पड़ाव बाकी है इसके अंदर, जिसका नाम है लेसन 14, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। हम लोग स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे बच्चे लोग, जिसमें हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी किसे कहते हैं? जहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए काम करता है, ठीक, लेकिन रिस्पॉन्सिबल वो व्यक्ति होता है जो काम करवाता है। जैसे एक्स ने वाई को बोला कि जा मेरे लिए 10,000 रुपये का किराने का, ग्रोसरी का, राशन का सामान किसी मॉल से लेके आओ, किसी मेगा स्टोर से मोर मेगा स्टोर से या बिग बाजार से लेके आओ, और बिग बाजार वाला मुझे जानता है, बोलना कि मेरे खाते में लिख ले। तो एक्स ने वाई को भेजा बिग बाजार, तो वाई गया, वाई ने खरीदा, ट्रॉली ली, सारा सामान जो जो लिस्ट में था वो ले लिया, बिल बनाया और कहा कि एक्स के नाम पे लिख लो। तो बिग बाजार ने एक्स को फोन लगाया, बोले ये आया है लेने? बोले हाँ, मेरे नाम पे लिख लो, ठीक है, ये टैली भी हो गया। अब बताइए कि सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्डिंग में कौन खरीदता हुआ पाया गया? वाई, ठीक। सारे प्रूफ किसके अगेंस्ट है देखा जाए तो वाई के, है ना। तो फिर अब अगर कल को पैसे ही लेने की बारी आएगी तो क्या वाई से मांगनी जाएगी बिग बाजार की, लाओ भाई वो पैसा दो? अरे सर, बिग बाजार तो उधार किसी को देता ही नहीं है। अपना एक एग्जांपल है रैंडम, अब अच्छा लगता है क्या कि मैं गली का रामलाल पंसारी का नाम लूं यहाँ पे, है ना, वो तो दे देगा उधार, अपन ने बिग बाजार ले लिया, थोड़ा बिग काम करना था इसलिए। खैर, तो मान लीजिए बिग बाजार ने अगर उधार दे भी दिया तो मांगेगी किससे, एक्स से कि वाई से? भाई एक्स से मांगेगी, क्योंकि वो माल गया किसके घर है? एक्स के घर है। वो खा पी के पूरा नक्की किसने करा है? एक्स ने। पर लेने तो वाई आया था, तो वाई तो करने आया था काम, पर खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए। He was on behalf of somebody else. He was on behalf of somebody else. So when one person acts यानी काम करता है, acts on behalf of someone else, तो फिर वो जो किसी के behalf पे काम करता है वो agent, वो जिसके लिए करता है या जिसके behalf पे करता है वो principal। आया समझ? तो जो किसी के behalf पे काम करता है वो agent, और जिसके बिहाफ पे करता है वो प्रिंसिपल। याद रहेगा, कितनी पार्टीज है एजेंसी में? एजेंसी में दो पार्टीज है, प्रिंसिपल और एजेंट। प्रिंसिपल शब्द का अर्थ ही है ये मेन व्यक्ति, वो प्रिंसिपल डेटर था अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, वहां पे उसका अर्थ मेन डेटर है, और यहाँ मेन डेटर नहीं, व्यक्ति मेन जिसके लिए हो रहा है, इसलिए वर्ड वही उसके उन्होंने प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल मतलब मेन व्यक्ति जिसके लिए काम हो रहा है, और एजेंट जो किसी दूसरे के लिए काम कर रहा है। अच्छा, मैंने क्या वर्ड यूज किया था इंग्लिश का टेक्निकल? बिहाफ। बिहाफ में मालूम है कि जो वो तो नहीं है लेकिन आधा वही है, हाफ वही है, हाफ बी हाफ। मैं वो तो नहीं हूं, मैं एक्स हूं कि वाई हूं? नहीं, मैं तो वाई हूं। तो मैं खरीदने आया हूं कि एक्स के लिए खरीदने आया हूं? खरीदने तो मैं आया हूं, पर मैं अपने लिए खरीदने नहीं आया हूं, मैं वाई के लिए खरीदने आया हूं। तो फिर तू एक्स है कि वाई है? तो वैसे तो वाई है, लेकिन अभी अंदर तेरे अंदर हाफ एक्स है। हाफ एक्स मतलब, क्योंकि जी तू काम करने आया, खुद के लिए नहीं करने आया, तू एक्स के लिए करने आया, तो तू तो तू है, लेकिन तेरे अंदर अभी आधा वो है, क्योंकि कर वो रहा है, तू नहीं कर रहा है। बेसिकली तू कर भी रहा है लेकिन फिर भी तू नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि करवा वो रहा है। आया समझ में? आया थोड़ा लैंग्वेज का मजा है, देखो मैंने घुमाने की कोशिश की, मजा कर लेते हैं यार थोड़ा सा कभी कभी। देखो क्या बोल रहे हैं, बिहाफ, ये सिर्फ अपन कर रहे पूरे इंडिया में ये मस्ती। बिहाफ शब्द को अंदर रूट में जाके पकड़ रहे। बिहाफ में बी यानी होना, हाफ यानी आधा, आधा होना। ऐसा काट दिया क्या सर? नहीं, हाफ कर देना मतलब आधा कर देना। अरे पोहे की प्लेट थोड़ी कि हाफ प्लेट खा लेंगे? तो फिर अरे जब कोई व्यक्ति अपने लिए करता है तो वो अपने आप में पूरा खुद होता है, और खुद ही खुद का काम करने जाए तो वो फुल होता है। पर जहां मैं अपनी जगह अपने किसी व्यक्ति को भेजू काम करने के लिए, तो मैं तो नहीं गया लेकिन फिर भी थोड़ा तो मैं गया ना उसके अंदर, क्योंकि वहां जाके वो बोल रहा है जो मैं बोलता, वो मांग रहा है जो मैं मांगता, वो खरीद रहा है जो मैं खरीद रहा हूँ, है ना। तो उसके अंदर मैं ही तो आ गया थोड़ा सा, इसलिए पूरा तो नहीं आ पाया पर आधा तो आया मैं, मेरे बिहाफ पे ही तो काम कर रहा है, इसलिए वर्ड यूज किया बिहाफ। इंग्लिश में बिहाफ वर्ड इसलिए बनाए। तो एजेंट किसे कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? बोले वो व्यक्ति जो किसी के बिहाफ पे काम करे वो एजेंट, ठीक है, और जिसके लिए या जिसके बिहाफ पे काम कर रहा है वो मेन व्यक्ति जो चुकाएगा उसको बोलते हैं
प्रिंसिपल और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या कहलाती है? नाउन फॉर्म, इट इज कॉल्ड रिलेशनशिप या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। आया बच्चों? पक्का? चलो बहुत अच्छा। Agency is a special type of contract. The concept of agency was developed as one person cannot possibly do every transaction himself. बताओ मुझे, क्या कोई व्यक्ति हर काम हर समय खुद कर सकता है? नहीं। हमने concept of delegation पढ़ी यार 11th class 12th class में जब management पढ़ते थे business studies, तो शायद 12th में आप लोगों ने management में पढ़ी होगी delegation की concept. Delegation is very important. You cannot be everywhere at every time. And you cannot possibly do everything on your own. You always have to delegate your work. You have to give your authority to someone else and allow him to do it on your behalf. When you do it in this manner, it is called contract of agency. जब आप नहीं करते, आपके लिए कोई और करता है, लेकिन माना ये जाता है as if आपने किया। तो आप तो मेरे साथ एक हिंदी का फ्रेज याद कर लो बालकों, क्या? जहां करे कोई और भरे कोई और, करे कोई और भरे कोई और, जिस कॉन्ट्रैक्ट में, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। जैसे जैसे सर बेवफाई करे कोई और आहें भरे कोई और जीवन भर। अरे सर क्या बात कर रहे हो, हाँ भाई बेवफाई कर गई लड़की तो जीवन भर रो रो के आहें कौन भरता है? लड़का। तो करे कोई और भरे कोई और, तो फिर ये तो एजेंसी होगी। अरे ऐसा पढ़ाने वाले को तो थप्पड़ मारना, वो तो मैं बता रहा हूँ, मुझे मत मार देना भाई, मजाक कर रहा हूँ। ऐसा नहीं पढ़ाना, हर जगह नहीं लगाना है सिद्धांत, लेकिन एजेंसी में जरूर लगता है, और भी कई जगह लगता होगा, है ना, कि करता ये है भरता वो है, करते बेटे हैं भरते पिताजी हैं, बहुत जगह होता है। करता एक व्यक्ति गलत काम है और जीवन भर अपनी बेइज्जती करा करा के उसको चुकाना पड़ता है। लोग हमेशा बोलते रहते कि देखो उसका बाप चोर था, उसका बेटा चोर निकला, इसकी बेटी ऐसी निकली, नाक कटा दी। ये तो सामाजिक बातें होती है, लेकिन जहां कोई ट्रांजेक्शन एक व्यक्ति करता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन, लेकिन उसकी लायबिलिटी किसी दूसरे पे जाती है, वहां भी यही लग रहा है रूल, करे कोई और भरे कोई और। पर ये प्रिसाइजली करे कोई और भरे कोई और कौन सी वाली रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी है, और इन एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम एजेंसी। फाइन सर, ये इंट्रोडक्टरी चीज हमको समझ में आ गई कि एजेंसी में बेसिकली होता क्या है। मजाक और जोक सारे एक तरफ रखते हैं, अब ये बताइए कि क्या हर काम के लिए एजेंट रखा जा सकता है? तो जवाब आया, नहीं भाई। पत्नी से प्यार करने के लिए एजेंट रखोगी क्या? अरे सुन यार, वो शादी करने के लिए निकला था मैं घोड़ी पे, पर एक इम्पोर्टेंट काम आ गया तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरी जगह तू चले जा। ये कपिल शर्मा की किस किस को प्यार करूँ नहीं है क्या? आप अपने दोस्त को भेज दो शादी करने के लिए, है ना, फिल्मों में होता है ये। यू कैन नॉट लव, यू कैन नॉट वेड, यू कैन नॉट मैरी थ्रू एन एजेंट। आपको खाना खाया है, खाना खाने के बाद दो तरह की समस्या होती है नॉर्मली हर ह्यूमन बीइंग को, तो वो दोनों ही तरह की समस्या जिसको हम शंका बोलते हैं, छोटी हो तो लघु शंका, बड़ी हो तो दीर्घ शंका, है ना। लेट्स नॉट टेक द रॉन्ग वर्ड्स, आजकल तो वो रॉन्ग वर्ड्स ले ही लेते हैं यार मूवीज में। मैं आई वॉज वॉचिंग अ मूवी वन डे सुल्तान, तो वो शिट गाय बोल देती, शिट गाय सलमान खान को, तो वे सलमान खान अनपढ़ रहता है थोड़ा सा, वो अपने दोस्त को बोलता है, बोले डिक्शनरी में जाके देखे यार ये शिट गाय का क्या मतलब होता है, तो वो जो अर्थ निकाल के लाया उसको तो मैं बोल भी नहीं सकता। तो फिल्मों में तो इतने आगे बढ़ गए वो, खैर कोई बात नहीं, तो अपन तो समझ जाओ लघु शंका और दीर्घ शंका। मुझे बताइए, ये बहुत ही पर्सनल नेचर का काम है और हमारी बॉडी की बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो अब बताओ ये काम आप किसी से करा सकते हो? देखिए यार, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, प्लीज मुझे बहुत जोर की लू लगी है, लू जाना है मुझे, आई गॉट टू गो टू वॉशरूम, तो मेरी जगह तू प्लीज चले जा यार। राहुल, Can you appoint an agent for this thing? This is an utter silly shit thing. ऐसा तो कर ही नहीं सकते। तो फिर don't make a rule that every person can delegate every work to his agent. नहीं, except यानी कि छोड़कर, accepting the matters of personal nature, what a person can do himself, he can do it through agent. जो कोई व्यक्ति काम खुद कर सकता है, वो सही भी काम अपने agent से भी करा सकता है, except the matters of personal nature. पर्सनल नेचर के काम छोड़कर बाकी सभी काम जो मुझे करने का अधिकार है वो मैं दूसरे से करा सकता हूँ। ठीक, चलो मैंने एक एजेंट अपॉइंट किया है देश चलाने के लिए, पर क्या मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ देश का? नहीं, तो जो काम मैं ही नहीं कर सकता उसका एजेंट कैसे अपॉइंट करूंगा? लॉजिक समझ में आया? इसलिए एक लाइन लिखिए, जो खुद कर सकता है उसी का एजेंट अपॉइंट होगा, पॉइंट नंबर वन। और दूसरा, उसमें भी
पर्सनल नेचर के काम छोड़ के, क्योंकि वो खुद तो कर सकता है लेकिन उसका एजेंट अपॉइंट नहीं हो सकता है। इतना बड़ा इंटरप्रिटेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो मैं कर सकता हूँ, जो जो काम मैं कर सकता हूँ उसी के लिए एजेंट अपॉइंट कर सकता हूँ, पहला। जो मैं नहीं कर सकता उसका एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता। और दूसरा, उसमें भी जो पर्सनल नेचर के काम है जो मैं कर सकता हूँ लेकिन फिर भी उसका मैं एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता। अब आया बच्चों को समझ में अच्छे से? चलो, ये हुआ। अगली कंसेप्ट है, अ पर्सन एक्टिंग थ्रू एन एजेंट इज एक्टिंग हिमसेल्फ। जो व्यक्ति एजेंट के थ्रू एक्ट कर रहा है, यानी एजेंट से काम करा रहा है, यही माना जाएगा एज इफ वो खुद काम कर रहा है। इज एक्टिंग हिमसेल्फ, दैट इज द एक्ट ऑफ एजेंट इज द एक्ट ऑफ प्रिंसिपल। पार्टीज के नाम तो क्लियर है, एजेंट और प्रिंसिपल। और क्या कहा? एक्ट ऑफ एजेंट इज एक्ट ऑफ प्रिंसिपल। जो एजेंट करता है यही माना जाएगा एज इफ वो प्रिंसिपल ने किया है। इसलिए भरेगा कौन? प्रिंसिपल ही भरेगा, क्योंकि तू नहीं किया है। मैंने तो नहीं किया है। नहीं, तू नहीं किया है। क्यों? बोले एक्ट ऑफ एजेंट इज एक्ट ऑफ प्रिंसिपल। एजेंट ने किया है मतलब ये माना जाएगा तू नहीं किया है, इसलिए तू भर। ठीक है। सिंस एजेंसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑल यूजुअल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी आर एप्लीकेबल। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए जितने भी एलिमेंट्स है, एसेंशियल एलिमेंट्स यूजुअली वो सारे लगते हैं। L3C3OFN, अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाया था अपन ने दिमाग से। लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, तीन L थे, लीगल इंटेंशन ऑफ पार्टीज, तीसरा फिर C और कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स एंड केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, तीन C थे, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेप्ट, फ्री कंसेंट और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय लॉ एज वॉइड। ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स इसमें भी लगते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको अपने नोट्स में यहाँ सब कुछ। आगे एक एक्सेप्शन है छोटा सा, क्या? कि कंसीडरेशन एजेंसी में कंपलसरी नहीं। वापिस कहता हूं, कंसीडरेशन जरूरी नहीं है। कंसीडरेशन तो एसेंशियल एलिमेंट था सर, आप बोले थे कि नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। रिमेंबर, हमने उसके एक्सेप्शन पढ़े थे कि कंसीडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसके एक्सेप्शन थे कुछ और, उसमें से एक था एजेंसी। एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन कंपलसरी नहीं है। तो लाइन क्या बनेगी? All essential elements of a valid contract are there in a contract of agency also, except one, which is consideration. इसका मतलब consideration होता ही नहीं है क्या? नहीं, consideration नाम का जो essential element है वो यहाँ पर essential नहीं है। मतलब consideration हो भी सकता है agency में तो भी valid, और नहीं हो तो भी agency valid होगी। पूछो कैसे? जैसे मैंने रामलाल से कहा कि जा उस दुकान से मेरे लिए माल खरीद के ला, और इसके लिए अब ये एजेंसी है मेरे और रामलाल के बीच में, तो रामलाल माल लेके आया, पर मैंने रामलाल को क्या दिया इस एजेंसी के लिए? कुछ भी नहीं, फिर भी ये वैलिड एजेंसी। ठीक। और अगर रामलाल कुछ भी गड़बड़ करता है माल लाने में, तो मैं उसके खिलाफ केस कर सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का। तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का केस तब कर सकते हैं जब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, और एसेंशियल एलिमेंट्स में से एक एसेंशियल एलिमेंट्स है कंसिडरेशन। पर रामलाल ने मेरे से कोई सैलरी या कोई कंसिडरेशन तो ले ही नहीं रहा है, इसका मतलब कंसिडरेशन नहीं है। वो तो मेरे लिए फ्री में ऐसे ही काम कर रहा था दोस्ती के नाते, कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन नहीं है मतलब सारे एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है। सारे एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं तो उसके तोड़ने का केस कैसा? तो फिर मैंने उसको माल लेने के लिए भेजा तो सही, लेकिन रस्ते में वो कुछ माल खुद ही खा गया, तो मैंने उस पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जब केस लगाया तो वो केस नहीं लग पाएगा। ऐसा वो सोचेगा जिसको लगता है कि सारे ही एसेंशियल एलिमेंट्स हों तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जो एक्सेप्शन को भी याद रखता है उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आपको एक्सेप्शन याद है क्या? कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में सारे एसेंशियल एलिमेंट्स लगते हैं एक्सेप्ट एक, जो कि है कंसिडरेशन, जिसका होना ना होना जरूरी नहीं हो, हो तो भी वैलिड, नहीं हो तो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब बताइए कि मेरे और रामलाल के बीच में कंसिडरेशन कुछ था क्या? कंसिडरेशन यानी म्यूचुअल गिव एंड टेक। तो गिव गिव तो है, वो मुझे दे रहा है सर्विस कि ठीक है आपका काम कर देता हूँ, आपके बिहाफ पे जाके माल खरीद लेता हूँ, पर उसको टेक क्या है? मिल कुछ भी नहीं रहा है उसको। ठीक। तो अब वो गया मेरे लिए माल लेने, और जितने का बोला था उससे ज़्यादा का माल लिया है, या उससे कम का माल लाया, या गलत क्वालिटी का माल ले आया। कहीं ना कहीं उसने इस एजेंसी में गड़बड़ करी, जो बोला था वो ठीक से नहीं किया। अब मैं उस पर केस करना चाहता हूँ कि तूने एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, ब्रीच किया और मेरा काम ठीक से नहीं किया। तो उसका वकील अब वो बोल सकता है कोर्ट में, लेकिन मैंने कंसिडरेशन कौन सा लिया था तेरे से? फ्री में ही तो कर रहा था, फ्री में जितना किया उतना ही ठीक है। लॉ बोलता है नहीं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो फिर भी है। क्यों ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है तभी तो ब्रीच है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट है मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट,
पर कंसिडरेशन तो नहीं है, बोले तो क्या हुआ, फिर भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट लॉ नहीं बोला है, एक्सेप्शन है। इसमें कंसिडरेशन होता अगर कि वो मेरे लिए सर्विस देता, माल खरीद के लाता और मैं उसको रेम्यूनरेशन देता, सैलरी देता हर महीने 5,000, तो भी ये वैलिड एजेंसी होती है। और अगर फिर वो गड़बड़ करता है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। और अगर नहीं है कोई कंसिडरेशन और वो मेरे लिए फ्री में भी काम कर रहा है तो भी ये वैलिड एजेंसी है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर इसमें कुछ ब्रीच कर दे तो भी मैं केस कर सकता हूँ। इससे क्या लॉजिक क्लियर हुआ बच्चों को इस एग्जाम्पल से, मेहनत से, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कंसिडरेशन होता ही नहीं है, गलत। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कंसिडरेशन अटमोस्ट कंपल्सरी है, गलत। सही क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कंसिडरेशन हो तो भी वैलिड, नहीं हो तो भी वैलिड। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कंसिडरेशन का होना ऑप्शनल है, एसेंशियल नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, नेसेसरी। अब आया है ना बच्चों, दमदार एकदम, पक्का। चलो वही हमेशा की तरह धागा उधेड़ दें, एक चीथड़े उड़ा दें कंसेप्ट के, है बहुत अच्छा। चलो अब देखें जरा, ये जो एक्सेप्शन है क्या लिखा है सेक्शन 185 में, दैट नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी। देर इज नो कंसिडरेशन ऐसा नहीं लिखा, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी ये लिखा ऊपर, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। अब देखो डिफाइन करते हैं एजेंट और प्रिंसिपल को। अपन ने अभी बात की, एजेंट किसे कहते हैं? वो व्यक्ति जिसको एम्प्लॉय किया जाता है किसी और के बिहाफ पे काम करने के लिए, या किसी को भी बिजनेस डीलिंग्स या बिजनेस ट्रांजेक्शन में थर्ड पर्सन के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैंने भेजा रामलाल को, तो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है रामलाल, कहाँ? ओ घनश्याम की दुकान पे जाके, तो मेरे बिहाफ पे खरीदने जा रहा है, तो थर्ड पर्सन हो गया घनश्याम, रिप्रेजेंट मुझे कर रहा है रामलाल, तो कुछ एक्ट करने के लिए, टू डू एनी एक्ट, है ना, फॉर मी, फॉर अनदर यानी मी, तो वो अनदर पर्सन हूँ मैं यानी कि प्रिंसिपल। तो जिस व्यक्ति को एम्प्लॉय किया गया है वो एजेंट, काहे के लिए? टू डू एनी एक्ट, कोई काम करने के लिए, या मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए किसी डीलिंग में, किसी ट्रांजेक्शन में, मेरे बिहाफ पे काम करने के लिए, किससे? थर्ड पार्टी से, है ना, जो दुकानदार है, और वो जो व्यक्ति है जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एजेंट है। सिंपल, बहुत ही आसान है, वही खेल है जो अपन कर रहे हैं। फिर प्रिंसिपल किसे कहते हैं? द पर्सन फॉर होम सच एन एक्ट इज डन, या जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो प्रिंसिपल है। ऊपर क्या वर्ड क्या है? एनी एक्ट या रिप्रेजेंट, तो जो एक्ट जिसके लिए की जा रही है, जिसके लिए की जा रही है एक्ट, या रिप्रेजेंट वाली बात करो तो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एजेंट, और जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द पर्सन हु इज सो रिप्रेजेंटेड, हाँ, तो द पर्सन फॉर होम सच एक्ट इज डन या हु इज सो रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड द, मतलब बेसिकली इस एग्जाम्पल में मैंने रामलाल को भेजा राधेश्याम के, तो रामलाल एजेंट, मैं प्रिंसिपल, राधेश्याम थर्ड पर्सन, उसका कोई मतलब, कॉन्ट्रैक्ट मेरे और रामलाल के, चुकाएगा कौन बताओ? रामलाल की मैं चुकाऊंगा, मैं तो नहीं गया था, फिर भी मैं, क्यों? क्योंकि मैं नहीं गया था, लेकिन जो गया था वो भी एक तरीके से मेरा हाफ था, मैं ही था, बी हाफ। चलो एजेंट कौन बन सकता है या प्रिंसिपल कौन बन सकता है? तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी वाला पॉइंट, बोले एनी पर्सन हु इज मेजर साउंड माइंड and not disqualified by law can be an agent, ठीक, और any person who is of majority sound mind and not disqualified by law can be a principal। फर्क सिर्फ इतना सा है कि agent जो है अगर वो इस तरह का कोई काम कर रहा है जिसमें personally भी वो liable हो सकता है, तो वहां पर तो उसका फिर major होना और sound mind का होना compulsory। लेकिन जहां पर एजेंट पर्सनली लाइबल होने की नौबत नहीं आने वाली, वहां इवन अ चाइल्ड कैन बी एन एजेंट। लोग अपने बच्चे को भेज देते हैं ना एजेंट बना के, जब बेटा वो उधर दुकान से जरा मसाला ले आ, तो यार आज सांभर मसाला, आज इडली सांभर बनाएंगे, तो बोले मम्मी पैसे, बोले उनसे बोलना कि मम्मी के नाम पर लिख, तो लड़का गया एजेंट बन के, मम्मी के नाम पर लिखा दिया, तो करा किसने? लड़के ने, पर भरेगा कौन? मम्मी, तो ये तो एजेंसी हो गई, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है एजेंसी का, दुकानदार मांग सकता है, पर यहाँ पर एजेंट तो मेजर है ही नहीं, एजेंट तो 8 साल का है, 10 साल का है, तो लॉ बोलता है चलता है, क्यों? क्योंकि इसमें वैसे भी लड़की की पर्सनल लाइबिलिटी कहीं आने का स्कोप नहीं। लेकिन ऐसी एजेंसीज जहाँ पर एजेंट पर्सनली लाइबल भी हो सकता है, सर एग्जांपल दीजिए, ऐसी एजेंसीज कौन सी होती है जहाँ पर प्रिंसिपल और एजेंट आपस में डिस्कस कर ले कि देख भाई मैं तेरे को एक काम सौंप रहा हूँ, ये मेरे बिहाफ पे एक ट्रांजेक्शन है, एक डीलिंग है, तू करके आ बेस्ट से बेस्ट, अगर तूने ठीक से नहीं किया और कुछ गड़बड़ कर दी तो फिर तू लाइबल, मैं नहीं जानता। तो जहां एक्सप्रेसली बोलचाल करके, वर्ड स्पोकन या रिटर्न में अग्रीमेंट करके ही एजेंट को प्रिंसिपल ने बोल दिया हो कि अच्छा करा तो सब मेरा,
और अगर तूने बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ कर दी तो फिर वो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर तू लाइबल हो जाएगा। तो इस तरह की एजेंसी जहां पर एजेंट लाइबल हो सकता है, फिर वहां पर आप जब एजेंट चुनोगे तो फिर आपको मेजर ही चुनना पड़ेगा, साउंड माइंड का ही चुनना पड़ेगा। अदरवाइज इन जनरल एजेंट बनने के लिए मेजोरिटी बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये भी एक छोटा सा एक्सेप्शन आप मान सकते हो, पर प्रिंसिपल प्रिंसिपल बनने के लिए तो तीनों ही कंडीशन चाहिए कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी की, साउंड माइंड भी चाहिए, मेजोरिटी का भी होना चाहिए और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ भी नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट तीन बार सुनना है ना आगे पीछे करके अच्छे से, आपको आ जाएगा। बहुत तगड़ी चीज बोली, ये कहीं लिखी भी नहीं मिलेगी अच्छे से, अपने पास ये बस है। आमतौर पर तो इतना बोल के खत्म कर दिया जाता है सब जगहों पर, कहीं भी कोई पड़े भाई, एजेंट और प्रिंसिपल दोनों में ही कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होना चाहिए, और कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी मतलब वही साउंड माइंड, मेजर और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। पर थोड़ा सा इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन भी था जिसको हमने इग्नोर नहीं किया, हमने पढ़ा। ठीक, जान लगा दे रहे हैं यार अपन तो हर चीज में, फिर भी आपको लगे तो डाउट भी पूछ सकते हो मुझसे, हमेशा कह रहा हूँ पर आप कुछ पूछते नहीं हो डाउट, शायद आपको सब आता है समझ में अच्छे से, या फिर कुछ नहीं आता है, कोई ऑप्शन होता है कुछ नहीं आता, ऐसा हो नहीं सकता है। बहुत मेहनत करता हूँ मैं भी यार, एक एक चीज की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में अंदर डीप में जाता हूँ, तो फिर एक ही चीज नजर आ रही कि या तो आप पढ़ नहीं रहे हो या फिर आपको पूरा समझ में। ठीक, तो प्लीज आस्क डाउट्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। अब देखो, हु मे बी ए प्रिंसिपल, हु मे बी एजेंट, ये तो अपन देख ही चुके हैं। एज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन, प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के बीच में एक व्यक्ति होता है जो एजेंट है, वही तो होता है। तो प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के बीच में एनी पर्सन कैन बी एन एजेंट, किसी भी व्यक्ति को एजेंट बना सकते हो। बट नो पर्सन हु इज नॉट द एज ऑफ मेजोरिटी एंड ऑफ साउंड माइंड कैन बिकम एन एजेंट, सो एज टू बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस कंटेंट इन बिहाफ हियर इन, या ऑन बिहाफ हियर इन कंटेंट। इसका अर्थ यह है, मैंने जो कहा कि ऐसे तो कोई भी बन सकता है, बट नो पर्सन, लेकिन वो कोई भी व्यक्ति जो अगर मेजर नहीं है या साउंड माइंड का नहीं है, तो नॉट लिखा है, वो नहीं बन सकता है। कब? सो एज टू बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस। ऐसी कोई एजेंसी जहां पर एजेंट को अपने प्रिंसिपल के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना है, लाइबल होना है, उस केस में तो फिर वो मेजर भी होना चाहिए और साउंड माइंड का भी होना चाहिए, तब नहीं बन सकता अनसाउंड माइंड का व्यक्ति या माइनर। इसके अलावा ऐसी कोई एजेंसी जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत ही नहीं बहुत ज्यादा, एजेंट काम करके आना है बस खत्म, कुछ करना ही नहीं है, तो फिर उस केस में कोई भी व्यक्ति एजेंट बन सकता है, चाहे वो मेजर नहीं भी हो या साउंड माइंड का नहीं भी हो। देखो ये तो लॉ ने बोला, अब कोई अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को बनाएगा क्या अपना एजेंट? नहीं बनाएगा, है ना। तो जनरली 99.9% केस में ऐसा होता ही नहीं है। लॉ ने क्या होता है, कभी कभी कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति थोड़ा बहुत, वैसे तो पागल है लेकिन थोड़ा दिमाग ठिकाने पे, उसको इतना याद रहता है कि हाँ वो रामलाल की दुकान पे पैसे दो और बोल दो चाय, तो वो चाय दे देता है 100 ग्राम, उसको मालूम है 100 ग्राम चाय देनी है, तो पागल को भी भेज देते हैं थोड़ा बहुत, इसलिए लिखा है पॉइंट, लेकिन जनरली ऐसा होता। अब एक मजेदार बात, अपन सेक्शन 185 पे आए थे, ये 185 होनी चाहिए हेडिंग, सेक्शन 185 या जो ऊपर हेडिंग है, कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी। अभी अपन ने बात की थी कि कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है, एजेंसी का कमीशन देना जरूरी नहीं है, पर सर कमीशन के बिना तो एजेंट मानेगा ही नहीं, हाँ ना, तो नहीं मानेगा। तो एजेंसी में 90% 95% लोग पैसा लेके ही काम करते, कोई क्यों फिर किसी का फ्री में एजेंट बनेगा? तो सर ऐसा क्यों लिखा कि देना जरूरी नहीं है? ऐसा इसलिए लिखा है, अगर किसी एजेंसी में कंसिडरेशन नहीं भी हो तो भी उसको वैलिड मानना है, इसलिए लिखा है। और कमीशन होगा या नहीं होगा, रेमुनरेशन होगा या नहीं होगा, सैलरी होगी नहीं होगी, ये तो एजेंट प्रिंसिपल आपस में वैसे डिसाइड कर लेंगे, और एजेंट मान नहीं रहा है, बोले मैं तो लूंगा कमीशन, तो देना ही पड़ेगा ना। तो कमीशन देने के बाद जो एजेंसी बनी वो भी वैलिड है, और कोई एजेंट बेचारा बोला भला है मान गया, अरे एक काम तो बोला है मेरे को, बस ये छोटा सा करके आना है, रास्ते चलते मेरे दोस्त ने मेरे को बोला कि यार आज मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा ये काम करके आ जाओ, उस दुकानदार से मिल के आ जाओ, और उससे कॉन्ट्रैक्ट लिया मेरे बिहाफ पे, क्या माल बोल रहा है वो, पूरा कॉन्ट्रैक्ट उठा के लिया वहां से, मतलब उसका ऑर्डर उठा के लिया, ऑर्डर लिया उससे, फोन लगा के उसको बोल दिया कि मेरी जगह मेरा फ्रेंड आ रहा है, और फिर मुझसे पूछा कि कितने पैसे लेगा तू मेरे बिहाफ पे काम करने के, मैंने कहा तेरे से पैसे लूंगा क्या यार, दोस्त है तू तो बताओ एजेंसी बनी कि नहीं मेरी? बनी, कमीशन लिया मैंने कुछ नहीं लिया, फिर भी वैलिड है, इस अपेक्षा से कह रहे हैं। लेकिन बिजनेस रिलेशनशिप में जब कोई एजेंट बनता है, नौकरी करने आता है एजेंट बन के, वो तो लेगा ही ना कमीशन, सैलरी या रेम्यूनरेशन, क्यों नहीं लेगा? हाँ बस इतना जरूरी है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बनाने के लिए कंसिडरेशन को एसेंशियल एलिमेंट नहीं माना है, इसको एक्सेप्शन के तौर पर लिया है, जो कि जनरली एसेंशियल एलिमेंट है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ उसको एक्सेप्शन, बस इतना। अभी ठीक है बच्चों, अब एजेंसी एक्सप्रेसली बनती है कि इम्प्लाइडली?
तो दोनों तरह से बनती है, इम्प्लाइड भी और एक्सप्रेस भी, अपन पढ़ेंगे उसको। और फिर ये भी है कि एजेंसी ओरल होती है कि रिटर्न, तो बोले दोनों तरह से वैलिड होती है, लेकिन रिटर्न ज़्यादा अच्छी है क्योंकि रिटर्न में आप प्रूफ दे सकते हो बाद में अगर कुछ गलत होता है, है? अब इम्प्लाइड क्या है, एक्सप्रेस क्या है, ये अपन आगे आएगा स्कोप से। अगले टॉपिक पे आते हैं, क्रिएशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी कैसे बनती है। अभी मैं कह ही रहा था कि अपन आगे पढ़ेंगे, तो एजेंसी दो प्रकार से बनती है, मोटे मोटे दो प्रकार से, पहला एक्सप्रेस और दूसरा इम्प्लाइड। जहां दो लोगों के बीच में एजेंसी बिना बनाए अपने आप बन जाती है उसको बोलते हैं इम्प्लाइड एजेंसी, और जहां दो लोगों के बीच में एजेंसी बनानी पड़ती है, मतलब एक ने दूसरे को कहा आज से तो मेरा एजेंट, तो दूसरे ने कहा ठीक है आज से मैं तेरा एजेंट, मैं भी तैयार इतनी सैलरी लूंगा, ये एजेंसी बोल के बनी, ठीक। और एक एजेंसी ऐसी जो बिना बोले अपने आप बन जाती परिस्थितियों से, सर्कमस्टेंसेस से, जहां एक व्यक्ति दूसरे के बिहाफ पे काम करता है बिना बोले, बिना पूछे, बिना अथॉरिटी के, फिर भी चुकाना दूसरे को पड़ता है, उसे कहते हैं इम्प्लाइड एजेंसी। तो दो तरीके से एजेंसी बनती है, एक्सप्रेस एजेंसी और इम्प्लाइड एजेंसी, ठीक। चलो, तो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एंड नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। एजेंसी कैन बी क्रिएटेड इन द फॉलोइंग मैनर। एजेंसी क्रिएट करने के कितने मैनर है, तीन मोटे मोटे मैनर हैं, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और रेटिफिकेशन। एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और रेटिफिकेशन, ये तीन मेन मैनर है, जिसमें से पहला उठा रहे हैं एजेंसी बाय एक्सप्रेस अग्रीमेंट। तो कह रहे हैं एन एजेंसी इज सेट टू बी एक्सप्रेस। एजेंसी को एक्सप्रेस तब बोलते हैं जब वो वर्ड स्पोकन या रिटर्न से बनती है, मतलब ओरल वर्ड या रिटर्न वर्ड से एक्सप्रेसली व्यक्त करके बोल के बनाई गई एजेंसी, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस एजेंसी, ठीक। मैं तेरा एजेंट, प्रिंसिपल तू मेरा, मैं नागिन तू, अरे भाई मैंने कहा आज से तू मेरा एजेंट, रेडी, एक्सप्रेसली, बोले हाँ ठीक है रेडी, तो ये एक्सप्रेसली बनी, वर्ड स्पोकन, एक्सप्रेस यानी बोल के, कहना पड़ जाए, अंडरस्टूड ना हो, इम्प्लाइड ना हो, जिसको बोल के बनाना हो वो एक्सप्रेस, वो रिटन भी हो सकती, ओरल भी हो सकती, एक्सप्रेस तो किया, चाहे ओरली एक्सप्रेस करो अपने आप को या राइटिंग में एक्सप्रेस करो, ठीक। फिर क्या कह रहे हैं, when it is made by words spoken or written, ordinarily agencies created by a written express agreement, पर वो word of mouth से भी बन सकते, ठीक। पर implied और express में generally कौन सी होती है ज़्यादातर, generally express होती है, बोल के written form में ही, या तो बोल के या written form में, लेकिन बनती हमेशा express है 90% केस में, implied के तो बहुत कम example है ना, बहुत कभी कभार implied agency बनती है। चलो express आ गई समझ में, इसे कहते हैं एक्सप्रेस एजेंसी, लर्न कर लेते हैं। एक्सप्रेस एजेंसी मतलब वो एजेंसी जहां पर प्रिंसिपल एजेंट को ऑफर देता है, एक्सप्रेसली वो एक्सेप्ट करता है, और दोनों बात करके ओरली या रिटर्न में फिर तैयार होते हैं कि चलो आज से एक दूसरे के एजेंट प्रिंसिपल बनते हैं, उसे कहते हैं एक्सप्रेस एजेंसी, इधर रिटर्न और ओरल, लेकिन एक्सप्रेस अग्रीमेंट। वही एक्सप्रेस इम्प्लाइड जो अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इनिशियल लेवल, इनिशियल या शुरुआती दिनों में पढ़ा था। आगे अगला टॉपिक, हाँ बेटा अगला है एजेंसी बाय इम्प्लाइड अग्रीमेंट। इम्प्लाइड अग्रीमेंट मतलब, या इम्प्लाइड वे में मतलब, जहां बनानी नहीं पड़ती अपने आप बन जाती है। कैसे, तो देखो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के बेटे को, मतलब रामलाल सड़क पे से जा रहा है और उसने श्यामलाल के बेटे को सड़क पे चोटिल बेहोश पाया, कोई गाड़ी उसके ऊपर से, मतलब उसको टकराते हुए चली गई, उसने उसका आईडी कार्ड देखा बच्चे के गले में, अरे बोले ये तो श्यामलाल का बेटा है, रामलाल को श्यामलाल, रामलाल श्यामलाल अपने फेवरेट फेमस कैरेक्टर। तो रामलाल जी सड़क पे से जा रहे हैं, फिर से कहता हूँ, और उनको श्यामलाल का बेटा सड़क पे घायल चोटिल मिला, आईडी कार्ड से पता चला कि इसके पिताजी तो श्यामलाल हैं, तो पास में ही जो हॉस्पिटल था वहां पर उन्होंने बच्चे की मरहम पट्टी करा दी और कहा कि इसके पिताजी जो श्यामलाल हैं जिनका ये आईडी कार्ड है उनके नाम पे लिख लो। तो बताइए ये ट्रांजैक्शन किसने करा मरहम पट्टी का, कौन था जो लेके गया बच्चे को, रामलाल, पर चुकाएगा कौन, श्यामलाल। क्या पहले से उन्होंने ऐसी एजेंसी क्रिएट की थी ओरली या राइटिंग में, ओरली फोन पे बोला था क्या ओरली कि तू ऐसा कर लेना मेरे बिहाफ पे, नहीं, राइटिंग में लिखा था कि मेरा बेटा कभी मिल जाए तो ऐसा कर लेना मेरे बिहाफ पे, कर तो देना चुका मैं दूंगा। तो जहां करे वो पर भरे कोई और, करे कोई और पर भरे कोई और, वहां एजेंसी होती है, सुनना। और इसके लिए एक्सप्रेस अग्रीमेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस केस में कोई एक्सप्रेस अग्रीमेंट था क्या, कोई एक्सप्रेस अग्रीमेंट नहीं था,
फिर भी ये वैलिड एजेंसी है क्या? हाँ, तो क्या आप जब श्यामलाल आएगा और उससे कहेंगे चुका, तो वो मना कर सकता है क्या? बोले मैं लाया था क्या इस बच्चे को अस्पताल में? मैंने बोला था क्या कि इंजेक्शन लगाओ? मैंने बोला था क्या कि इसकी चोट पे मरहम पट्टी करो? मैं काहे को चुका हूँ? बोले सर आपका बेटा है यार, और रामलाल ने आपके बेटे को भर्ती करा के इलाज इसलिए कराया ताकि आप लॉस से बच जाओ, नहीं तो और खून बह जाता तो अभी बहुत पैसे खर्च हो जाते। या बच्चा, बच्चे को भी तो बचाना था, बेचारे को खून बह रहा था, तो आपको ही किसी लॉस से बचाया है उसने ऐसा करके, आपके बिहाफ पे काम करके। और बोले उसने मेरे से पूछा क्यों नहीं मेरे बिहाफ पे काम करने के लिए? बोले सर आपका फोन ही नहीं लग रहा था उस समय। उसने लगाया था, नंबर था आपका फोन नंबर आईडी कार्ड पे, आपका फोन ही नहीं लग रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में आपको किसी लॉस से बचाने के लिए कोई व्यक्ति जो आपका एजेंट नहीं है, फिर भी अगर आपका एजेंट बन के काम कर ले, आपके बिहाफ पे बन जाए, बिना बिना बिहाफ पे आए बिहाफ हो जाए, बिना किसी के द्वारा अथॉरिटी, बिना अधिकार दिए ही कोई किसी के बिहाफ पे काम कर ले, तो फिर ये तो गलत है। उसको खुद को चुकाना चाहिए, फिर तूने काय को करा? लेकिन उसने बचाया तो आपको है ना किसी लॉस से, इसलिए टेक्निकली भरना आपको ही चाहिए पैसा। तो करे वो, पर भरना पड़ेगा श्यामलाल को ही, बेटे के पिता को ही भरना पड़ेगा, फादर को ही भरना पड़ेगा उस सन के। तो बताओ ये एजेंसी बनी थी, अपने आप बन गई, ये एजेंसी अपने आप बन गई, इसमें एजेंसी कहाँ है ना? एजेंसी जहां करे कोई और भरे कोई और है, वहां एजेंसी है। तो बताओ इसमें करे कौन? रामलाल, अस्पताल का पूरा डीलिंग और ट्रांजेक्शन उसने करा, पर भरे कौन? श्यामलाल। इच्छा हो या नहीं हो, भरना श्यामलाल को ही पड़ेगा, मतलब एजेंसी है। तो ये तो प्रूव हो गया कि यहाँ पे एजेंसी है, और इम्प्लाइड है कि एक्सप्रेस है, तो पहले से ओरल या रिटन ही बनी थी क्या? नहीं, परिस्थिति के कारण अपने आप बन गई ये एजेंसी। हाँ, तो इम्प्लाइड, ये इम्प्लाइड एजेंसी का एग्जाम्पल है। आया समझ? इम्प्लाइड एजेंसी, ठीक। इम्प्लाइड एजेंसी का ये जो प्रकार है जो मैं बोल रहा हूँ, ये है एजेंसी बाय नेसेसिटी। क्या है ये? एजेंसी बाय नेसेसिटी। ऐसी नेसेसिटी, ऐसी इमरजेंसी, ऐसी जरूरत आ गई है कि इम्प्लाइडली, इम्प्लाइडली एजेंसी बन। अब एजेंसी इम्प्लाइड अग्रीमेंट से बनने का एक एग्जांपल और है, ये जो अपने सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, एजेंसी बाय इस्टॉपेल। क्या कह रहे हैं इसको? एजेंसी बाय इस्टॉपेल। क्या मीनिंग होता है इस्टॉपेल का? इस्टॉपेल इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स रोकना। स्टॉप इसी से बना है, इंग्लिश वर्ड स्टॉप लैटिन वर्ड इस्टॉपेल से बना है। तो मीनिंग क्या है इसका? इसका मीनिंग है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पे काम करता है, जबकि उसको बोला ही नहीं गया था कि तुम मेरे बिहाफ पे काम कर, और ना कोई नेसेसिटी है, लेकिन जिसके बिहाफ पे काम कर रहा है वो वहीं बैठा है और मना भी नहीं कर रहा है, उसको मना करना चाहिए लेकिन फिर भी मना नहीं कर रहा है, और थर्ड पार्टी को ये लगता है कि फिर इसका मतलब ये दोनों प्रिंसिपल एजेंट है, और फिर वो एजेंट से ट्रांजेक्शन कर लेता है, तो फिर उस केस में एजेंट प्रिंसिपल का रिश्ता ना होते हुए भी इम्प्लाइडली मान लिया जाएगा कि इनके बीच में एजेंसी का रिश्ता। बोलो कुछ नहीं आया समझ? है नहीं आया ना? ये तो मजा नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसको अब समझाऊंगा और फिर जब आएगा तो हमेशा के लिए आएगा। ये तो एक बार बोला सिर्फ, अब आएगा समझ में, ठीक। एग्जाम्पल, एक्स किसी क्लब में बैठा है, क्लब में वाई भी उसी क्लब में बैठा है। नाम दे दे क्या इनको? एक नाम देते हैं, रामलाल श्यामलाल बहुत बोर हो गया, कुछ नया नाम देते हैं। चलो अब की बार अपन इनको नाम देते हैं सुरेश और महेश। सुरेश महेश रमेश, वही रमेश, सुरेश रमेश वही है जो पिताजी के पतलून एक बिलांग छोटी कराते हैं ना 5 स्टार के एड में, सुरेश रमेश। चल, सुरेश और रमेश ये दोनों बैठे हैं क्लब में, दोनों दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, लेकिन प्रिंसिपल एजेंट नहीं एक दूसरे के। सुरेश की कपड़ों की दुकान है बहुत बड़ी, ठीक, रमेश उसका फ्रेंड है, पर रमेश उसका एजेंट नहीं है। इतने में वहां पे महेश आता है, तो रमेश महेश से बोलता है, सुरेश वहीं बैठा है, रमेश महेश से बोलता है कि और भाई क्या हालचाल महेश, देखो पता है आजकल मैं सुरेश का एजेंट हूँ। सुरेश ये बात सुन रहा है तो सुरेश को मना करना चाहिए ना कि नहीं 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 ये मेरा एजेंट नहीं भाई, देख लेना इसके साथ कोई व्यापार मत करना, ये समझ के कि मेरे साथ व्यापार कर रहा है, इसका अलग कोई धंधा पानी होगा, मैं तो मेरी दुकान है कपड़े की और मेरा कोई एजेंट नहीं है, ऐसा बोलना चाहिए सुरेश को, क्योंकि वो सुन भी रहा है, गलत बात बोल रहा है रमेश महेश से कि मैं सुरेश का एजेंट हूं, तो मना नहीं करता है, मना किया ही। अब कुछ दिनों बाद रमेश महेश के पास जाता है और बोलता है वो मैंने तेरे को बताया था ना मैं सुरेश का एजेंट हूँ, तो वो सुरेश को 10,000 रुपये उधार चाहिए तेरे से, तो दे दे उसके लिए उधार, मैं उसका एजेंट हूँ।
कर मैं रहा हूँ पर भरेगा वो, क्योंकि एजेंसी में तेको मालूम ही है, तो ले मैं जा रहा हूँ लेकिन उसको दे दूंगा, तो उससे ले लेना, 3 महीने बाद उससे मांग लेना, वो दे देगा, उसी के लिए ले जा रहा हूँ, उसने मंगाए। अब बताओ महेश को तो यही लग रहा है ना कि रमेश सुरेश का एजेंट है, क्योंकि सुरेश ने भी जब ये बात सुनी थी तो उस दिन मना नहीं किया। इसका मतलब ये तो पक्की बात है कि एजेंट है, और एजेंट है तो एजेंट तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करेगा ही, तो अगर उधार मांगने आया है तो दे दो उधार। तो अब बताओ महेश किससे मांगेगा? सुरेश से मांगेगा कि भाई तेरा एजेंट रमेश आया था। ठीक, अब जब 3 महीने बाद महेश सुरेश से मांगने गया पैसे कि लाओ मेरे पैसे, जा तेरे घर, बोले जा क्यों, मैं तो मेरे घर में खड़ा हूँ, बोले वो तो मैं फ्लो फ्लो में बोल गया, कट्टी तो कट्टी साबुन की बट्टी, ला मेरे पैसे जा तेरे घर, बात ही नहीं है, बात ये है कि मेरे पैसे ला। बोले कौन से पैसे? बोले वो जो तेरा एजेंट रमेश मेरे से लेके गया। बोले मेरा कोई एजेंट नहीं है रमेश, ना मेरे पास पैसे आए। बोले तेरे पास पैसे आए नहीं आए इससे कोई मतलब नहीं है, रमेश तेरा एजेंट है वो मेरे से तो पैसे ले गया तेरे नाम से, चुका। बोले नहीं है मेरा एजेंट कोई यार, ये मेरी दुकान है, इस दुकान के आसपास के 10 दुकानों से पूछ लो, कभी मैंने कोई एजेंट रखा क्या? मेरी दुकान में कोई एजेंट काम नहीं करता है मेरे लिए, मैं मेरा काम खुद ही करता हूँ। बोले उससे कोई मतलब नहीं, उस दिन क्लब में अपन मिले थे, रमेश ने कहा था, तू वहीं बैठा था सुन रहा था, उसने बोला तो मैंने तेरी तरफ देखा तो तू सुन रहा था बात को, कोई जवाब नहीं दिया तूने। तो जब रमेश कह रहा था कि मैं सुरेश का एजेंट को, तब मना क्यों नहीं किया? उसके स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करना था ना, काटना था ना, रोकना था ना, स्टॉप करना था ना, तो उन्हें स्टॉप ही नहीं किया। और अब जब मना नहीं करना चाहिए तुझे पैसा देने से, तब मना कर रहा है कि नहीं मैं तो नहीं चुका रहा क्योंकि मैं उसका प्रिंसिपल नहीं हूँ। नहीं भैया प्रिंसिपल तो तू है। बोले यार हमारे बीच में कोई एजेंसी कभी बनी नहीं, ना ओरल ना रिटर्न, मैंने कभी उससे कहा ही नहीं मेरा एजेंट बनेगा क्या, ना उसने कभी कहा कि मेरा प्रिंसिपल बनोगे क्या, कि मुझे नौकरी दोगे क्या, जब हमारे बीच में रिटर्न या ओरल कोई एजेंसी हुई ही नहीं एक्सप्रेस, तो कैसे मान लूं कि हम एजेंट प्रिंसिपल है? तो फिर महेश ने कहा कि रुक, ये एजेंसी बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो बन गई है अब इम्प्लाइडली, उस परिस्थिति में जिस परिस्थिति में तूने मना नहीं किया, जबकि तुझे मना करना चाहिए था फिर भी मना नहीं किया, तो अब ये एजेंसी बनानी नहीं पड़ी है, एक्सप्रेसली नहीं बनी है, ये तो बन गई है बेटा, तेको मालूम भी नहीं पड़ी, इम्प्लाइडली बन गई है अपने आप, इम्प्लाइड एजेंसी, इम्प्लाइड एजेंसी 2 नंबर की एजेंसी, देख रहे हो आप हेडिंग, और 2 में ABC, ये ए इम्प्लाइड एजेंसी की प्रकार ही है, इम्प्लाइड अग्रीमेंट वाले स्टॉपेल, क्योंकि ये एजेंसी बिना बनाए अपने आप बन गई है। हाँ बिना बनाए अपने आप बन गई है, कैसे? स्टॉपेल से। अच्छा किसने किया स्टॉप? थर्ड पार्टी ने प्रिंसिपल को, क्या कह के सुनना है फ्रेज, कितना मजा आएगा, अपन बनाएंगे यमक अलंकार, यमक और अनुप्रास गद्य का हिंदी में, तो इंटेलिजेंट बच्चों आपको सब आना चाहिए। तो कैसे बनेगा कि बेटा जब मना करना था उस दिन पब में क्लब में कि ये मेरा एजेंट नहीं है, तो जब मना करना था तब तो मना नहीं किया, और अब जब मना नहीं करना चाहिए यानी कि पैसा चुकाना चाहिए तो मना कर रहा है, तो मैं तुझे मना करता हूं, मना करने से, और मना मना के मनाऊंगा कि मान जा कि वो तेरा एजेंट है और तू उसका प्रिंसिपल है, और उसने जो किया है वो तुझे चुकाना है। आया? ये लिख मत देना आप एग्जाम में, और इसको याद कर, वैसे याद करने की जरूरत नहीं, इतना ही। इस टॉपल रुक जा भाई, रुक जा भाई, रुक जा भाई, अब तो मना नहीं कर सकता, स्टॉप, अब मना नहीं कर सकता, और अब तो एजेंसी मानी जाएगी, स्टॉपेल लगा के एजेंसी मनवाना कि है इम्प्लाइड है, ठीक है तुम नहीं बने होंगे एक्सप्रेसली, लेकिन अभी तो मानी जाएगी, आगे ठीक है, आगे से मैं उसको उधार नहीं दूंगा, समझ में आ गया कि वो तेरा एजेंट नहीं, लेकिन इस ट्रांजेक्शन के लिए तो तू लाइबल है, करा भले ही उसने, भरेगा तू, क्योंकि तूने उस समय मना क्यों नहीं किया, तो एजेंसी बनवाई इस ट्रांजेक्शन के लिए, कौन सी? अपने आप बन गई, और क्या क्या कह के बनवाई या क्या कह के बनी अपने आप? स्टॉप, रुक जा, अभी मना नहीं कर सकता, एजेंसी बाय स्टॉप, एक एक वर्ड क्लियर है, इसको एजेंसी बाय होल्डिंग आउट भी बोल। अब होल्डिंग आउट क्यों बोलते हैं? होल्डिंग आउट का अर्थ, होल्डिंग आउट एक इंग्लिश का प्रॉपर पूरा वर्ड है ना, होल्डिंग मतलब पकड़ रखी, आउट यानी बाहर जाके, ऐसा दो वर्ड नहीं अलग अलग है ना, दो वर्ड है, लेकिन इन दो वर्ड को मिला के एक फ्रेजल वर्ब बनता है, जैसे लुक आफ्टर, तो लुक यानी देखना, आफ्टर यानी बाद में, तो क्या बाद में देखना? नहीं, लुक आफ्टर एक पूरा फ्रेजल वर्ब बनता है जिसका अर्थ है देखभाल करना, उसी तरह होल्डिंग आउट भी एक फ्रेजल वर्ब है इंग्लिश के बच्चों। तो होल्डिंग आउट का मीनिंग क्या है? होल्डिंग आउट का मीनिंग है शो करना या रिप्रेजेंट करना। तो बताओ इसमें कौन अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था कि मैं एजेंट हूं? कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? रमेश, यानी जो एजेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उसके रिप्रेजेंटेशन को मना किया क्या?
वो जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मना किया क्या प्रिंसिपल ने? नहीं किया। तो प्रिंसिपल ने मना नहीं किया इसलिए उसको अब मना कर रहे हैं कि अब नहीं मना करेगा, इसलिए आप उसको अब रोक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं कि अब मना नहीं कर सकता है। इसलिए उसके लिए देखा जाए तो अपन बोल सकते हैं कि इस एजेंसी का नाम हो गया स्टॉपर। और अगर प्रिंसिपल एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कैसे बनी है? एजेंट के द्वारा होल्डिंग आउट यानी कि रिप्रेजेंट करने के कारण ये एजेंसी बनी है, इसलिए इसका एक नाम एजेंसी बाय होल्डिंग आउट भी। एग्जाम में कभी आ जाए दो ऑप्शन अलग अलग तो ये दोनों सेम ही स्लैश में आएंगे कि एजेंसी बाय स्टॉपेल स्लैश होल्डिंग आउट। और दो आ जाए तो फिर इसको कुछ भी नाम दे सकते हो आप। जैसे चार ऑप्शन में से दो ही आ जाए तो फिर ये दोनों तो हटा देना। जैसे उदाहरण आया कि रामलाल ने श्यामलाल को बोला क्या तू मेरा एजेंट बनेगा, तो श्यामलाल ने बोला कि हाँ मैं बनूंगा, तो ये कौन सी एजेंसी है? ए एक्सप्रेस, बी इम्प्लाइड, सी स्टॉपेल, डी होल्डिंग आउट। तो स्टॉपेल होल्डिंग आउट तो एक ही है और ये इम्प्लाइड के भेद हैं। इम्प्लाइड का ही तो भेद है, इम्प्लाइड एजेंसी अपने आप बन गई स्टॉपेल से, तो ये तीन तो गए, बचा क्या? एक्सप्रेस। ये वाला आंसर का एक्सप्रेस आएगा इस टाइप से। अभी एग्जाम्पल देखो आप स्क्रीन के ऊपर। एक्स ने ए से कहा एन की प्रेजेंस और एन की हेयरिंग में, वो वहां पे प्रेजेंट भी था और सुन भी रहा था एन कि एक्स एन का एजेंट है, तो एन को ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करना था पर उसने नहीं किया, ही केप्ट क्वाइट। बाद में ए ने एक्स के साथ एक ट्रांजेक्शन कर लिया ये सोच के कि एन का भी एन का एजेंट है तो एन चुकाएगा, तो क्या फिर अब एन इस ट्रांजेक्शन के लिए बाउंड है? तो जवाब आया हाँ एन इज बाउंड। और बाद में उसको डिनाई करने, मना करने से कि भाई हमारे बीच में कोई एजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसा डिनाई करने से स्टॉप कर दिया जाएगा। देखो क्या लिखा है, एंड ही विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एजेंसी इवन दो सच एजेंसी डिड नॉट इन फैक्ट एग्जिस्ट। माना कि सही में भी वो एजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती थी फिर भी उसको डिनाई करने से स्टॉप कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अपेरेंटली ये ऑस्टेंसिबल एजेंसी तो नजर आ ही रही है ना, अपेरेंट यानी कि जो नजर आ रही है, ऑस्टेंसिबल मतलब भी जो दिख रही है, तुम्हारी हरकतों से तो ये नजर आ रहा है ना कि तुम एजेंट प्रिंसिपल हो। कोई लड़का लड़की बहुत चिपक के बैठे बाइक पे तो नहीं लगता कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है हरकतों से, तो फिर तुम जो कर रहे हो ये और भाई एजेंट, हाँ भाई प्रिंसिपल, तुम्हारी हरकतों से तो यही लग रहा है ना कि तुम एजेंट प्रिंसिपल हो। नाम ले रहा है वो अपने आप को बता रहा है और तू कुछ बोल भी नहीं रहा है, चुपचाप बैठा है। तो ऑस्टेंसिबल यानी नजर आ रहा है, अपेरेंट यानी कि दिख रहा है, तो अपेरेंट या ऑस्टेंसिबली तो एजेंसी नजर आ ही रही है ना, इसलिए भले ही तुम्हारे बीच में असल में नहीं भी हो एजेंसी, डिलीबरेटली नहीं भी बनाई हो तुमने, तो भी जितनी एजेंसी डिलीबरेटली बनाई जाती है एक्सप्रेस उतनी ही इफेक्टिव मानी जाएगी ये एजेंसी, और वही होगा जो उसमें होता है। वहां पर करे कोई और भरे कोई और, यहाँ पर भी ये होगा करे एजेंट भरे प्रिंसिपल, करे कोई और भरे कोई और। तो इस पूरे अच्छी लैंग्वेज के एजेंसी का सार क्या है? वही जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था। तो शिक्षा क्या मिली है कि जब आपके सामने कोई झूठ बोले और आपको पता हो कि ये जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है, तो उसके बाद उस समय कॉन्ट्राडिक्ट कर देनी चाहिए कि भैया ये झूठ बोल रहा है या इसमें मेरा कोई लेन देन नहीं, नहीं तो बाद में आप भी फंसोगे। ये जीवन की शिक्षा है। और अगर कोई अपने आप को झूठा एजेंट बताए आपका तो आप मना कर दो, और नहीं करते हो तो कल को उसके किए गए काम के लिए आप लायबल माने जाओगे। बिजनेस ट्रांजेक्शन ना, वो पर्सनली किसी को मारपीट करके आए घर पे तो नहीं, वो किसी की चोरी करके भाग जाए तो नहीं, बस वो जो बिजनेस रिलेशनशिप की बात है उसी। ठीक, चलो अगले टॉपिक पे आते हैं। चलो अगला क्या है? एजेंसी बाय नेसेसिटी। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले रामलाल श्यामलाल के बच्चे वाला, तो श्यामलाल के बेटे को अगर रामलाल ने बचाया है तो एजेंट था क्या उसका? नहीं, पर फिर भी यहाँ पर बिना कहे अपने आप एजेंसी बन गई, और भले ही ट्रांजेक्शन रामलाल ने करा, अस्पताल का भरेगा श्यामलाल। हाँ, वेयर द कंडीशन और सर्कमस्टेंसेस आर सच, देखो क्या लिखा है, दैट इट बिकम्स नेसेसरी फॉर अ पर्सन, किसी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम करे ताकि उसको बचा सके, तो फिर उस केस में एजेंसी अपने आप बन जाती है, करेगा वो लेकिन भरेगा वही जिसको बचाया है। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन सेलिंग सम अदर पर्सन्स प्रॉपर्टी इन अ केस व्हेन सच अ पर्सन नीड्स अ मेडिकल ट्रीटमेंट। रामलाल एक अकेला व्यक्ति है जीवन में, इसका कोई परिवार नहीं है, और वो भयानक बीमार पड़ गया, इतना बीमार पड़ गया कि अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तो उसका एक पड़ोसी है, उसने उसको उठाया अस्पताल ले गया, अस्पताल वालों ने कहा कि 50 लाख का खर्चा आएगा, तो उन्होंने फोन लगाया इधर उधर, पता चला कि इसका कोई रिश्तेदार नहीं है, तो वकील को बुला के प्रॉपर्टी बिकवा दी और प्रॉपर्टी बिकवा के उसका इलाज करवा दिया। क्या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी बेच रहा है? हाँ, उसको पावर दे रखा था कि मेरे बिहाफ पे तू बेच दे, नहीं तो फिर कैसे बेच दी? बोले उस व्यक्ति को बचाने के लिए, कंडीशन ऐसी है, सर्कमस्टेंसेस ऐसी है कि जरूरी है, उस केस में आप एजेंट नहीं भी होके एजेंट मान लिए जाओगे और आपके द्वारा किया गया ट्रांजेक्शन वैलिड है, एजेंट के तौर पर किया गया ट्रांजेक्शन, और ऐसे ही माना जाएगा एज इफ रामलाल ने खुद ने मकान बेचा। बाद में रामलाल ठीक होने के बाद बोलता है कि मैं नहीं मानता ये सेलिंग, तो जिसने खरीदा है वो मेरे को मेरा मकान वापस करो,
नहीं। किसने किया ये ट्रांजेक्शन? पड़ोसी ने। कैसे? एज एन एजेंट। बनाया था आपने एजेंट? नहीं, परिस्थितियों से अपने आप बन गया, एजेंसी बाय नेसेसिटी। तो फिर उसने जो कर दिया, एज इफ करे वो पर भरो आप, हाँ, तो उसने जो किया वो आपने ही किया, यही माना जाएगा। हाँ, इसका मतलब वो मकान आपने बेचा कि पड़ोसी ने बेचा, यही माना जाएगा एज इफ आपने ही बेचा, क्योंकि वैलिड एजेंसी है। एन एक्ट ऑफ एन एजेंट इज एन एक्ट ऑफ प्रिंसिपल। आया है ना इजी बच्चों? एक एग्जांपल और, पानी का जहाज है, जहाज का कैप्टन है, उसमें हमने 100 डब्बे रखे एक्सपोर्ट करने के लिए, उसके अंदर कुछ माल भरा है डब्बों में, भेजा समुद्र के रास्ते, बीच समुद्र में पानी के जहाज में रेक हो गया, WREC के रेक, यानी टूट फूट हुई, दरार पड़ी, पानी भरने लगा, डूबने की नौबत आई, देखा तो थोड़ी दूर पे एक आइलैंड, राहत की सांस ली, कैसे तैसे उस आइलैंड पे टिका दिया बस। अब सारा पानी जो जहाज में भर गया था वो तो बाहर फेंक दिया, आइलैंड पे खड़ा कर दिया शिप का एंकर डाल के, लेकिन अब टूटा हुआ तो है ना, उसको सुधारेंगे नहीं तो आगे कैसे जाएंगे, आगे एक्सपोर्ट के लिए जाना है, चलो वापिस पीछे चले जाते हैं, तो उसके लिए भी तो समुद्र ही है, अभी तो बीच में कहीं पे हम तो मर जाएंगे, इस आइलैंड पे जिंदगी बिता नहीं सकते, और यहाँ से फोन भी नहीं लगा सकते, नेटवर्क ही नहीं है। और उस आइलैंड के जो छोटे छोटे से थे लिलीपुट्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स वाले, वो आ गए दौड़ते हुए, बोले हम आपका ये जहाज ठीक कर सकते हैं, हमारी अच्छी प्रैक्टिस है जहाज ठीक करने की, पर बदले में हम ये जो 100 डब्बे हैं इनमें से 2 डब्बे हम रखेंगे। अब बताइए, क्या जहाज का जो कप्तान है जो ये एक्सपोर्ट ऑर्डर लेके जा रहा है, रामलाल इंटरनेशनल लिमिटेड का एक्सपोर्ट ऑर्डर लेके जा रहा है, क्या उसको ये एक्सप्रेसली ऐसा बोल रखा है कि तू मेरा एजेंट है और मेरे बिहाफ पे तेको जिसको इच्छा हो उसको बेच देना? वो तो सिर्फ ट्रांसपोर्टर है, एजेंट तो है ही नहीं। तो फिर क्या वो 2 डब्बे 100 में से 2 डब्बे बिना पूछे किसी को दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी उसको अथॉरिटी नहीं, इज नॉट एन एजेंट। पर क्या इस केस में बिना पूछे, क्योंकि फोन तो लग नहीं रहा है, और उसी व्यक्ति को लॉस से बचाने के लिए अगर ये 2 डब्बे नहीं दिए तो जहाज ठीक नहीं होगा, और जहाज ठीक नहीं हुआ तो ये 100 डब्बे भी पूरे पूरे पड़े पड़े खराब हो जाएंगे और हम भी मर जाएंगे, ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते, और तेरा लॉस तब ज्यादा बड़ा होगा। तो उसको लॉस से बचाने के लिए क्या वो काम कर सकता है जहाज का कैप्टन, जो उसके जिसके लिए उसको एजेंट नहीं बनाया है, या एजेंट तो बनाया ही नहीं था उसको, क्या फिर भी उसके बिहाफ पे कर सकता है ये काम? हाँ ठीक। अब वो बचे हुए 98 डब्बे लेके, कंटेनर लेके जिस कंट्री में जाना था वहां गया, एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरा कर गया। अब वो जो 2 डब्बे कम भेजे हैं उसका जो कॉम्पेंसेशन है वो जहाज का कैप्टन देगा, क्योंकि उसने बिना पूछे 2 डब्बे कम कर दिए और उन लिलीपुट्स को दे दिए, छोटे छोटे आइलैंडर्स को जो आइलैंड पे रहते हैं उनको, या वो मालिक भरेगा एक्चुअल में उन 2 डब्बों का कॉम्पेंसेशन। पार्टी बोल रही है आपने 2 कम पहुंचाए, लॉजिक, एजेंसी बाय नेसेसिटी है, और एजेंसी है, जरूरत ही ऐसी आ गई थी कि आपसे बिना पूछे मैंने आपके बिहाफ पे कोई काम कर दिया है, तो करा भले ही मैंने, लेकिन इसका जो भी भरने की बात आएगी, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस या कॉम्पेंसेशन है वो भरोगे आप ही, यानी कि ओरिजिनल रामलाल इंटरनेशनल लिमिटेड ही भरेगी। ए प्योरली लॉजिकल, 3-3 एग्जाम्पल हो गए आपको, वही कंसेप्ट में दिक्कत। आखिरी है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन ये सी पॉइंट इम्प्लाइडली अपने आप बन जाती है, जैसे रेक्टिफाई नहीं हो, RECTIFY, रेक्टिफाई यानी कि गलती सुधारना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ते हो आप अकाउंट्स में, रेक्टिफाई वर्ड नहीं है, रेटिफाई, RATIFY, रेटिफाई। रेटिफाई का अर्थ होता है कि किसी किए हुए काम को कंसेंट देना, कंसेंट देना। अब जैसे मैंने किसी गौरव नाम के व्यक्ति के नाम से उधार ले लिया, उसको मालूम भी नहीं है, ले लिया, फिर उसको फोन लगाया कि मैंने तेरे नाम से उधार ले लिया, तो क्या हम पहले से एजेंट प्रिंसिपल थे एक्सप्रेसली? नहीं, तो मैं तो उसका एजेंट हुई नहीं टेक्निकली, तो चुकाएगा कौन? मैं ही चुकाऊंगा, क्योंकि जब मैं एजेंट ही नहीं हूं तो मैंने जो भी किया वो मुझे ही चुकाना है। पर मैंने उससे कहा कि मैंने तेरे नाम से लिए, तू चुका देगा, और वो मेरी इस चीज को अपनी कंसेंट बाद में देता है कि चल ठीक है, तो इसे बाद में जो कंसेंट देते हैं इसको बोलते हैं रेटिफाई। तो रेटिफाई करते ही अपने आप में एक्सप्रेस एजेंसी हो जाती है, लेकिन एक्सप्रेस और रेटिफाई में इतना अंतर है कि एक्सप्रेस एजेंसी में पहले अथॉरिटी देते हैं, एक्सप्रेसली बोलते हैं कि मेरे बिहाफ पे तू ये काम कर लेना, फिर वो काम करने जाता है, और रेटिफिकेशन में पहले वो काम कराता है आपके नाम से, फिर आके पूछता है कि यार मैंने तेरे नाम से काम कर लिया तू चुका देगा, तो आप उसके किए हुए कार्य को अपनी कंसेंट देते हो कि चल ठीक है मैं चुका दूंगा, जा अपने बीच में एजेंसी बन के। बनी हुई एजेंसी में काम करना एक्सप्रेस एजेंसी, पहले काम कराना फिर उसको एजेंसी का रूप दे देना कि चल ठीक है किया तूने पर चुका दूंगा मैं,
करे तू पर भरूंगा मैं, ऐसा बाद में अग्री कर जाना, इसे बोलते हैं रेटिफिकेशन। एज इजी एज दैट। देखो, व्हेन देयर इज नो एजेंसी बिटवीन द पर्संस, बट इफ द एक्ट ऑफ वन पर्सन ऑन अनदर बिहाफ इज रेटिफाइड बाय फर्स्ट पर्सन, एक ने जो एक्ट किया है उसके बिहाफ पे, वो बाद में अगर वो फर्स्ट पर्सन रेटिफाई कर दे, इन दैट केस देयर इवॉल्व्स, तब उभर के आती है एन एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। सो गाइज, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक। बहुत अच्छे से समझ में आओगे। एजेंसी का एक छोटा सा टॉपिक और है जो अपन कल खत्म करते, फिर हमारा फर्स्ट चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा, एकदम पूरा, फिर नया चैप्टर उठाएंगे हम लोग, नाम कल बताऊंगा उसको कौन सा उठाएंगे। ठीक, बढ़िया, बेहतरीन, शानदार। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।